गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जीडीएस फार्म्स। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉबेरी फार्म। इन ओरिजिनल तो सब लोग उगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। हम महाबलेश्वर वगैरह गए थे तो वो लोग भी बोले कि नहीं हो सकता, मैंने चलो देखते हैं चैलेंज ये लेते हैं। द स्ट्रॉबेरी फार्म जोतिंदर जी ने जिसको बहुत ही मेहनत से यहाँ पे कल्टिवेट किया। फार्म टोटली इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज टू enable the crop grow very nicely in this adverse environment. If it's possible, then it's really nice. Hello guys, this is Gaurav Modi. और आज आपको ले जा रहा हूँ मैं नागपुर का पहला स्ट्रॉबेरी फार्म दिखाने। आइए देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जीडीएस फार्म्स। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉबेरी फार्म इन नागपुर। आइए अंदर देखते हैं कि हमारे को क्या मिलता है। फ्रेंड्स हम लोग आज हैं जोतिंदर भैया के साथ। ये जेडीएस फार्म्स के ओनर हैं। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ पे आपको हर तरह के फ्रूट्स एंड बेसिकली ये नागपुर का स्ट्रॉबेरी फर्स्ट स्ट्रॉबेरी फार्म है। सो हम लोग जोतिंदर भैया से मिलते हैं। जोतिंदर भैया, ये फार्म आपको चालू करने का कैसे आइडिया आया? बस ऐसे ही मुझे शौक है 5-6 साल से खेती करने का, तो मैं सोचा कुछ नया करें। तो जैसे कन्वेंशनल तो सब लोग उगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। हम महाबलेश्वर वगैरह गए थे तो वो लोग भी बोले कि नहीं हो सकता, मैंने चलो देखते हैं चैलेंज ये लेते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो पहले तो सबका ऑपोजिट था कि पागल हो गए, कोई स्ट्रॉबेरी होती है क्या इतनी गर्मी में। हमने लगाया और ये आपके सामने है जो है। सो आप लोग स्ट्रॉबेरी ही सर्व करते हैं और भी काफ़ी पपीता है, जाम है, अभी सब्जी भी लगा रहे हैं यहाँ पर। ऑल विल बी ऑर्गेनिक एंड 100% ऑर्गेनिक, यू कैन टेस्ट एनीवेयर। सो यहाँ पे ये जो आपने फार्म बनाया है, ये कुछ कॉन्सेप्ट को लेके बनाया है कि पब्लिक के लिए प्लकिंग और इस तरह? नहीं, प्लकिंग का आइडिया तो अभी कल ही आया, हम तो परसों आया। अगर हमने जैसे हम फॉरेन जाते हैं न्यूजीलैंड वगैरह, तो वहाँ ये देखा है तो मैं बोला यहाँ भी क्यों ना किया जाए, तो स्टार्ट किया इधर। और कल भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, फैमिली खुश हो गया जाती है तो हमको भी अच्छा लगता है ना। डेफिनेटली भैया, अब ये बच्चे सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल भैया, जैसे आपके यहाँ अगर कोई आना चाहे तो उसको किस तरह से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको? जैसे प्लकिंग के लिए हमने 3 दिन फिक्स किया है, अभी 23, 24 और 26। ओके, बाकी अभी तक इरादा नहीं है आगे, क्योंकि आई हैव टू सी कि क्या हो रहा है। अगर प्लांट को इफेक्ट हो रहा है तो आई हैव टू स्टॉप। ओके, एंड अगर कोई आके आपसे मिलना चाहे, विजिट करना मिल चाहे तो कभी भी सकते हैं, एनी टाइम। हम 24/7 आई एम अवेलेबल। इधर प्लांट रहता है ये, ओके, ऐसे ऊपर ही रहता है, आप जैसे थोड़ा सा खींचोगे तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो वी हैव टू टेक केयर। नहीं, आई विल एनकरेज पीपल टू डू दिस, कि अच्छा करे तो अच्छा ही है। इस एरिया को आप लोग कुछ आगे लाइक फैमिलीज के लिए या फैमिलीज के लिए? अभी जो क्रिकेट हो रहा है ना, वो हमारी कंपनी का है। आई हैव 4-5 कंपनीज। ओके,
तो हमारी कंपनी वाले इंटरनल ये साहब लोग जो अभी कैसे मैच चल रहा है ना अभी, आप जाके देख भी सकते हो। एंड जेडीएस फार्म हम लोग अब सुन रहे हैं, सो जेडीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है ये तो बताइए भैया। ये हमारा ग्रुप है और उसमें मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है और सरज का नाम है। जे मेरा नाम है, डी दक्षा ऐसा। ओके, तो हमारी 3-4 कंपनी भी है, वो भी जेडीएस ग्रुप के नाम से है, फार्म भी जेडीएस ग्रुप के नाम से। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इस तरह का फार्म नागपुर के मौसम में जनरली एडवाइजेबल नहीं रहता है, पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से यहाँ पे इनकी मेहनत के वजह से स्ट्रॉबेरीज की फसल है। अमेजिंग साइज ऑफ स्ट्रॉबेरीज। इफ यू कैन सी ओवर हियर, कितने मेहनत से कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे निकली है। Now the size and the color of the strawberry is really nice. ये actually बहुत मेहनत का काम है इस area के लिए, क्योंकि 25 degrees maintain करना पड़ता है जो कि नागपुर में बहुत मुश्किल है। हम आपको और कुछ strawberries दिखाते the size of the strawberries over here. In Nagpur, opposite my farmhouse, so they've given me a lifetime experience. It's a very great initiative, and farm totally equipped with modern facilities to enable the crop grow very nicely in this adverse environment. If it's possible, then it's really nice. So, what do you think about the size of the strawberries and the taste of the strawberries? Strawberries were very big. They said it's about 42 grams each piece. So, probably it is one of the biggest, I think, grown in the city so far. बहुत अच्छा farming है और progressive farming है. ऐसा जगह पे और किया जाए तो economic balance जो है बहुत अच्छा हो सकता है. So, basic यहाँ पे मेरे को जो पता चला कि स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग हो रही है, दैट इज यूनिक। आपको इस बारे में कैसा लगा, स्ट्रॉबेरीज कैसे लगे? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब ये एडवर्स कंडीशन में लाकर के यहाँ जो स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं उसके लिए वातावरण बनाए, तो ये एक क्रिएटिव मतलब इन्होंने किया है ऐसा, और ही वेरी सक्सेसफुल। गाइज, यहीं पे खत्म होता है आज का ये वीडियो और जेडीएस फार्म्स का टूर। आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पे बहुत ही मेहनत से जोतिंदर जी ने जेडीएस फार्म्स में स्ट्रॉबेरीज का कल्टीवेशन किया है। सो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ज़रूर आइए और इस फार्म को देखिए। यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरीज हैं बहुत ही टेस्टी है, सब अपने अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं आप। सो डू लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू।
और जिन्होंने नहीं किया है आराम से कर लेना भैया, कोई जल्दी नहीं है। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गौरव मोदी, वील मीट सून।